ये मदरसा है, ये मस्जिद एक बना दी गई है, ठीक है, जहाँ पर ये देखें ये वजू करने का बनाया गया यहाँ पर, ठीक है, ये टूटी पर लगेगा, अभी बच्चे यहाँ पर वजू भी कर, या ये पहले जो मदरसा था ना, ये हिंदुओं का मदर होता था, पूजा मंदिर हुआ करता था, पूजा करते थे। इसके अंदर अभी फिलहाल यहाँ पर कुरान की किताबें और उनके कुछ सफ़े पड़े हुए हैं कुरान के, ठीक है, कुरान की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक पूरा मंदिर हुआ करता था जो कि अभी खंडर बन चुका है और एक मस्जिद में तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो ये मंदिर है और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अभी अपना जो कुरान जो उनकी होती है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। तो ये बच्चे लोग अभी यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अच्छा अच्छा चलें, लगे रहें। तो यहाँ पर ये देखें, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, ये कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इनको यहाँ पर ये कुरान पढ़ाया जाता है। भाई मैं पाकिस्तान के बारे में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर में मंदिरों को मस्जिद क्यों बनाया गया है। भाई मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान के अंदर में एक मंदिर को मस्जिद बना दिया है, वहां पर बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, भाई कुरान पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। मैं सारी वीडियो क्लिप आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान है, दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पाकिस्तान और दिखाते हैं वहां को कि मंदिर को मस्जिद कैसे बनाया गया है। वहां पर जो है मौलाना भाई बैठे हुए हैं और वहां पर बोलते हैं कि ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद हो गया है, यहाँ पर कुरान पढ़ा जाती है। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। ये मंदिर है, बाहर से कुछ इस तरह का है, अभी मस्जिद यानी कि मदरसा बन चुका है, तो ये कुछ इस तरह का है, ये देखें, ठीक है। तो ये मंदिर क्यों है, इसकी यानी कि इसका क्या प्रूफ है, तो प्रूफ ये है कि इसके ऊपर सामने ये ऊपर हमारे श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, दो गायें उनके साथ खड़ी हैं और वो खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे थे, यानी कि बांसुरी जैसे बजाते हैं ना, तो उस तरह की एक यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाई गई थी। बांसुरी तो अभी खैर टूट चुकी है, लेकिन उनके हाथ में जो बांसुरी का जो आप कह सकते हैं कि लोहे का जो राड था जिसके थ्रू बांसुरी बनाई गई थी, वो राड अभी भी मौजूद है उनके हाथ में। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और ये एक मंदिर हुआ करता था, ये इसका मेन गेट हुआ करता था जो कि अभी इसको बंद कर दिया गया है, और इसका मेन जो गेट है वो दूसरी साइड है, उस साइड पर हम चलेंगे और आप लोगों को अंदर से जाकर विजिट करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये हिंदी में यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ये देखें, आपको देख सकते हैं, आपको हिंदी आती है तो आप पढ़ सकते हैं ये हिंदी में क्या लिखा है। यहाँ पर ये अंदर से जाकर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर से अगर देखते हैं तो बाहर से हमें ये उल्टा नजर आती है, ठीक है, अंदर से सीधा पढ़ना आएगी, ठीक है। अंदर से आपको दिखाते हैं, अंदर जो हाफिज साहब हैं यानी कि कारी साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कुरान वगैरह जो उनकी होती है, वो अंदर बैठे हुए हैं, उनसे चलकर आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं, तो भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी भाई का नाम है। तो ये दरवाज़ा अभी यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम एंट्रेंस यानी कि एंटर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मदरसा है, ये मस्जिद एक बना दी गई है, ठीक है, जहाँ पर ये देखें ये वजू करने का बनाया गया यहाँ पर, ठीक है, ये टूटी पर लगी है, अभी बच्चे यहाँ पर वजू भी कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं, और सामने ही कारी साहब खड़े हैं, ठीक है। या ये पहले जो मदरसा था ना, ये हिंदुओं का मदर होता था, पूजा मंदिर हुआ करता था, पूजा करते थे। ओके, कहाँ से आप आए थे? इंडिया से। इंडिया से कौन सा जगह था आपका जहाँ से आया? इंडिया के शहर है वो, जहर में वो रेगिस्तान में, जैसलमेर राजस्थान, जोधपुर हो गया, वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे हम। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर नहीं था कुछ, मतलब ऐसे हवेली टाइप थी। नहीं, ये मंदिर है, आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जो कुंडे लगे हुए बहुत से, इसकी निशानी है कि आप बुत लटकाया करते थे जिसकी पूजा करते थे। सबसे बड़ी है अंदर, इसके दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर ये एक और भी जगह है, तो ये शायद कोई स्थान वगैरह था या पूजा करने की कोई जगह थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी फिलहाल यहाँ पर कुरान की किताबें और उनके कुछ सफ़े पड़े हुए हैं कुरान के, ठीक, कुरान की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये दिए वगैरह जलाने की जगह हो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मंदिर काफ़ी पुराना है, देखते हैं आप ये कितना पुराना मंदिर है, ठीक है। तो अभी मदरसा बन चुका है, ठीक है, उनके फोटो वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये एक पूरा मंदिर हुआ करता था जो कि अभी खंडर बन चुका है और एक मस्जिद में तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो ये मंदिर है और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अभी अपना जो कुरान जो उनकी होती है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। तो ये बच्चे लोग अभी यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अच्छा अच्छा चलें, लगे रहें। तो यहाँ पर ये देखें, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, ये कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इनको यहाँ पर ये कुरान पढ़ाया जाता है, और ये जब से पाकिस्तान बना है तब से यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये भी दरवाजा था जब, और वहाँ पे भी दरवाजा था, अच्छा, फिर उधर से उस कमरे में सो के सामने वाले कमरे से निकल गए, तो वहाँ से इन्होंने यहाँ से निकला जी। ये निशान बना हुआ है, ये देखें, निशान बने हुए हैं दरवाजों के, तो यहाँ पर दरवाजे हुआ करते थे और यहाँ पर उस कोने में भी दरवाजा एक हुआ करता था, अभी कारी साहब कह रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी यहाँ पर किताबें यानी कि कुरान वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये देखें, ठीक है, तो ये उनकी कुरान वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, ये सारी उनके कुरान की किताबें यहाँ पर पड़ी हैं, ये देखें, यहाँ पर भी हैं सारी कुरान की किताबें हैं, ये देखें, यहाँ पर मटका रखा हुआ है, और ये भी कोई हो सकता है ये खिड़की वगैरह हो या कुछ और चीज़ हो, तो ये भी काफ़ी पुरानी आप देख सकते हैं, ठीक है। और छत यहाँ पर ये टूटी फूटी है,
तो बाकी आपके सामने ही सारे हालात हैं। इन दरवाजों की बात करें तो ये दरवाजे एक अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं और काफ़ी मजबूत दरवाजे हैं, ठीक है। पर इनकी मोटाई देखें, कितनी मोटाई है इन दरवाजों की, और अभी भी ये दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि 1300 साल पुराना ये मंदिर है, तो ये काफ़ी पुराने दरवाजे हैं यहाँ पर। तो चलें दोस्तों, अभी आपको ऊपर लेकर चलते हैं, तो ये सीढ़ी ऊपर जाती है, आपको ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाते हैं कि ऊपर से ये जो है मदरसा जो है ये मस्जिद बनी हुई है, ये कैसी नज़र आती है ऊपर से। लेकिन यहाँ पर देखें, अंदर एक भाई हैं जो कि खाना बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं तो बच्चों के लिए जी, यहाँ पर ये चिकन बन रहा है, ये देखें। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर और आप लोगों को ऊपर का माहौल दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ थोड़ी सी बनी हुई है अजीब सी, ये ऊपर का सीन है कुछ इस तरह का, तो आप देख सकते हैं नीचे का माहौल हमने आपको दिखाया, और ये ऊपर का है, ये देखें ये इस तरह से ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर का माहौल है, ऊपर भी एक रूम बना हुआ है, रूम टाइप है, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे का नज़ारा जो कि बच्चे अभी खेल रहे हैं। इसके अंदर भी चलते हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर खटिया वगैरह पड़ी हुई है, यानी कि चारपाई और संदूक वगैरह हैं। बाकी दोस्तों, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई थी, वो इसी के साइड यहाँ पर बनी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर चढ़ के। तो ये देखें, ये श्री कृष्ण जी हमारे, ठीक है। और ये जो लोहे के राड़ वगैरह लगे हुए हैं ना, बांसुरी पकड़ी हुई थी यहाँ पर, वो बांसुरी अभी टूट चुकी है। तो साथ ही यहाँ पर ये दो गायें भी यहाँ पर हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस मदरसे को बाहर से देख लें, ये मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाता है। तो पूरा ये एक कम्प्लीट मंदिर हमने आपको विजिट, आपने देखा पाकिस्तान के अंदर में मंदिर को कैसे मस्जिद बनाया गया है। आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, जरूर एक कमेंट कीजिए। चले चलते हैं दुबई से, क्योर की दुबई से इतने भी गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी बिल्कुल आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले दुबई से क्या ध्यान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। और मेरे प्यारे भाई लोग, एक बात तुम लोग ध्यान से भी सुनो, अभी बहुत आदमी इधर काम करते विजिट वीजा में या कुछ में भी, और जो कंपनी में लोग काम करते, या रेस्टोरेंट हो या कंपनी हो या कुछ भी, इन लोग क्या करते, क्यों इन लोग को ज्यादा ज्यादा यकीन दिलाते। इन लोग जब काम करते हैं, लोग पगार भी देते हैं, लेकिन जब वीजा का टाइम आता है, इन लोग बोलते कल परसों, एक हफ्ता दो हफ्ता, ये क्या मतलब है, ये नहीं मनते वीजा देगा आपको, ये मनते तुमको काम कराएगा विजिट वीजा में या कुछ वीजा में। क्यों? तुम्हारा पास कुछ हक नहीं होते उन लोग से पूछने का। एक आदमी को हम बोला था, तुम क्यों काम किया, क्यों भरोसा किया, हमको बोलते मोहम्मद भाई ये हमको पगार देता था। हम बोला अच्छा पगार देगा लेकिन वीजा नहीं देगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, पहला कौन सा कंपनी हो, कौन सा दुकान हो, कौन सा क्या भी हो, पहला तुम लोग वीजा मांगो फिर पगार, क्योंकि वीजा तुम लोग को बचाएगा, पगार नहीं। ये याद रखो, पहला पहला वीजा मांगो, हमको वीजा दियो फिर हम काम करेगा, क्योंकि बहुत खतरा है विदाउट वीजा काम करेगा। आपने देखा दुबई से कितने कैसे बयान दिए हैं, दुबई से जो है हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।